मेंडली के पीरियोडिक लॉ को पढ़ने के बाद उसकी मेरिट्स मींस उसकी अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस को देखने के बाद हम अब हमारा जो फोर्थ लॉ है इस चैप्टर का उसकी तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसको दिया था मोसले ने. सो इसे हम मोसले लॉ भी बोलते हैं. देखिए इसमें क्या था, अगर हम मोसले लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को पढ़ने से पहले एक बार दोबारा हम मेंडलीव लॉ को पढ़ते हैं तो मेंडलीव ने क्या कहा था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास प्लस एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड इन ए सेम ग्रुप. इस लॉ में सिर्फ एक कमी या कहें कि सिर्फ कुछ कमियां थी कि वो आइसोटोप की पोजीशन को नहीं बता पाया और वो हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाया, अदरवाइज ये लॉ बहुत बहुत अच्छा था. इसने मैक्सिमम एलिमेंट्स को बता दिया, हर एलिमेंट्स को हर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर दिया इस लॉ ने, मेंडलीव के लॉ ने. बट सिर्फ कमियां क्या थी कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं कर पाया, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया और आइसोटोप्स को पोजीशन ही नहीं दे पाया कि आखिर उन्हें कहां रखा जाए. सो इस कमियों को इन कमियों को दूर किया मोसले के लॉ ने. और मोसले का लॉ क्या था, मोसले ने कहा कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मासेस. एंड सच दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज प्लेस्ड इन वन ग्रुप. तो मेंडलीव के लॉ में सिर्फ एक चेंज कर दिया गया, मेंडलीव ने सिर्फ एटॉमिक मास के बेस पे कहा, मोसले ने आकर उसके साथ एटॉमिक नंबर भी जोड़ दिया. एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर हम इस लॉ को दूसरी लैंग्वेज में लिखें तो वहां पर भी लिख सकते हैं. और क्या लिख सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट द एटॉमिक मास. देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, उनके नंबर ऊपर डिपेंड करती है. पीरियोडिक फंक्शन है कंटिन्यूस, उसके ऊपर डिपेंड करती है, नॉट ऑन द एटॉमिक मास. सो ये लॉ था मोसले का लॉ जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी पढ़ते हैं. और इस लॉ के बेस पे एक नई पीरियोडिक टेबल बनाई गई
जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से अलग थी, और आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं जिसे लॉन्ग फॉर्म भी बोला जाता है। उस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं, जबकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे। यहां मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एक और बात की कमी थी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस नहीं आई थी, क्योंकि तब तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। बट इस लॉ ने मेंडलीव के लॉ से आगे बढ़कर सभी चीजों को एक्सप्लेन किया, और इवन जब नोबल गैसेस आ चुकी हैं तो नोबल गैसेस को भी इसने एक्सप्लेन किया, उनकी भी पोजीशन को डिस्कस कर दिया। सो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और से मोसले लॉ, एंड ए टेबल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ दिस लॉ एंड नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोसले लॉ और से द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ए टेबल से पीरियोडिक टेबल इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इस टेबल में कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ये पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स में क्लासिफाई की गई। अब देखिए, क्या इस पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीव की लिमिटेशंस को भी दूर किया? तो देखिए, हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि क्या मोसले की जो ला के बेस पे जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, क्या उसने मेंडलीव की कमियों को दूर किया? तो देखिए, फर्स्ट मेंडलीव की क्या कमी थी, नॉट गिव स्पेसिफिक पोजीशन टू हाइड्रोजन बाय मेंडलीव। हाइड्रोजन को एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दे पाया, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्लेस हाइड्रोजन एट फर्स्ट पोजीशन। मेंडलीव उसे पोजीशन नहीं दे पाया कि उसे ग्रुप फर्स्ट में रखा जाए या ग्रुप 7 में, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन पर रखा। ऐसा क्यों? बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर
एक था एंड मॉडर्न लॉ इज दैट. मॉडर्न लॉ क्या था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया जाए ना कि एटॉमिक मास पे. अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो डायरेक्टली है कि मास भी बढ़ेगा. बट कोई ऐसा एलिमेंट ना आ जाए कि जिसका एटॉमिक नंबर कम हो और वो बाद में चला जाए. सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक है तो उसे पहले ही ग्रुप में सबसे पहले ही रख दिया गया. दूसरा, मेंडली आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं दे पाया. मेंडलीव डज नॉट गिव पोजीशंस टू आइसोटोप्स बट देयर इज नो मैटर. देयर इज नो मैटर ऑफ पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स. देयर इज नो मैटर ऑफ पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स इन केस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप का कोई पोजिशन हो ही नहीं सकती क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे होती है. और आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं. सो अगर एटॉमिक नंबर सेम है देन देयर इज नो मैटर ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. सो जो कमियां थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उन कमियों को दूर कर दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टेबल ने. और आज तक हम जिस टेबल को पढ़ते हैं जो हमारी बुक्स में दी गई होती है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो आप सभी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे फ्रॉम योर बुक. वहां से आप रेफर करेंगे और वहां से पढ़ेंगे कि आखिर मेंडलीव ने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया और मॉडर्न ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अरेंज किया गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए परफेक्ट ऑर्डर. इसके लिए हमने चार लॉ पढ़े. सबसे पहला हमने डोबिनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स पढ़ा जिसमें डोबिनियर ने कहा कि एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और इस तरह से करेंगे कि तीन एलिमेंट एक साथ आए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो और दूसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो अर्थमेटिक मीन होना चाहिए पहले के और थर्ड के. इसमें कमियां थी लिमिटेशंस थी कि इसके एग्जांपल लिमिटेड थे एक्सप्लेन कर दिया गया. उसके बाद न्यूलैंड लॉ आया. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसने कहा कि हर जो एलिमेंट है वो एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज होना चाहिए और हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से मिलनी चाहिए. बट ये लॉ भी बहुत अच्छा था बट इस लॉ की भी सबसे बड़ी कमी थी कि ये 20 तक ही जाकर कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है वहां तक ही जाकर ये रुक गया. इसके बाद ये इस लॉ को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि ये फेल हो गया उसके आगे. देन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस थी मेंडलीव लॉ के और मेंडलीव लॉ में दो पॉइंट थे. पहला कि जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास प्लस कि एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड इन ए वर्टिकल लाइन और वर्टिकल कॉलम व्हिच इज नोन एज ग्रुप. बहुत
अच्छा एक्सप्लेन किया इसने हर एलिमेंट को, क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल के लिए हर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को निकाला गया, उसे ऑब्जर्व किया गया। बट इस लॉ की भी सबसे बड़ी कमी थी कि ये हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं कर पाया और ये आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता पाया। इस लॉ से बाद हमारे पास मोसले ने एक्सपेरिमेंट किए और मोसले ने नया लॉ दिया, दैट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसने क्या कहा, उसने कहा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में उनको अरेंज करो। देन जब इसे अरेंज किया गया तो इसने मेंडलीव की कमियों को भी दूर कर दिया एंड ए न्यू पीरियोडिक टेबल विच इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, हमें हमारे पास आई, जिसे हम आज भी स्टडी करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हाउ वी हैव टू अरेंज द एलिमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है जो भी एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमने क्लासिफाई किया इनटू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।